हेलो एवरीवन, आई होप दैट यू आर ऑल डूइंग वेल। दिस इज मी सैयद शुजातुल्ला। वेलकम टू इकरा आईएएस करंट अफेयर चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू सी अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अबाउट बजट। वो क्या है? एजुकेशन बजट पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी 3 पार्ट हो चुके हैं, ये चौथा पार्ट है। पहले पार्ट में हम देखे हैं मिनिस्ट्री वाइज एलोकेशन बजट में कितना दिया गया है। उसके बाद हम पढ़े हैं कि नेट टैक्सेबल इनकम क्या है, टैक्स रिबेट का मतलब क्या है, एग्जम्पशन डिडक्शंस का मतलब क्या है, टैक्सेशन स्लिप क्या है, वो पढ़े हैं अपन थर्ड वीडियो में। ओके, और माय डियर स्टूडेंट रिमेंबर दिस पॉइंट, ये वीडियोस मैं एक पिछले 3 दिन की बात कर रहा हूँ। रेगुलरली कंटिन्यूस सीरीज है, इसमें ब्रेक नहीं है। तो अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं तो आप लास्ट के 3 दिन के वीडियोस देख लीजिए, आपका बजट प्रॉपरली कवर हो जाएगा। आपको डिफरेंस भी मालूम हो जाएगा कि कितना बेहतरीन आप लर्न कर सकते हैं ये वीडियो लेक्चर से। ठीक है, सो हियर, सो यस्टरडे ये हुआ था, ट्रांसपोर्टेशन का बजट के बारे में पढ़े थे। ओके, वंदे मातरम ट्रेन्स पढ़े थे अपन। ओके, रोप वेस, ओके, पर्वतमाला, सागरमाला, इन सी चीज़ों के बारे में ट्रांसपोर्टेशन बजट पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले हैं एजुकेशन बजट। एजुकेशन के बजट में क्या क्या देखेंगे अपन? एजुकेशन के बजट में देखेंगे निर्मला मैडम ने कितना पैसा दिया है एजुकेशन में, और ट्रेंड्स क्या है लास्ट ईयर से लेके अब ये साल तक, एजुकेशन बजट बढ़ा है या कम हुआ है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मद्देनज़र रखते हुए कितना एक्सपेंडिचर एक्चुअली करना चाहिए था गवर्नमेंट, सो दैट विथ रिस्पेक्ट टू जीडीपी, विथ रिस्पेक्ट टू जीडीपी कितना परसेंटेज करना चाहिए था, सो दैट पूरी एजुकेशन सिस्टम हमारी बहुत निखर के आए, उभर के आए, फ्लरिश हुए, क्वालिटी एजुकेशन मिले, हर एक बच्चा इनोवेटिव, क्रिएटिव, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेजेस में होना चाहिए, स्कूल में होना चाहिए, उस वो सब करने के लिए, वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए, ओके, कितना एक्सपेंडिचर ऑफ GDP इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे पूरे स्कीम्स ये, राइट। सो लेट अस गो एड वन बाई वन। वन क्लास वन टीवी चैनल प्रोग्राम वॉज अनाउंस्ड बाई आवर प्राइम मिनिस्टर निर्मला मैडम अंडर PM ई विद्या स्कीम विच विल बी एक्सपेंडेड फ्रॉम 12 to 200 टीवी चैनल्स। सो पहले कोविड में क्या था, आपको पता है कि ऑफलाइन एजुकेशन नहीं थी, हम जाके स्कूल में जाके पढ़ नहीं सकते थे बिकॉज दूर रहना था, ओके, क्राउडेड तो रहना ही नहीं था। सो बेसिकली प्राइवेट इंस्टीट्यूशन तो ऑनलाइन एजुकेशन देना शुरू कर दिए थे। इस हिसाब से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी क्या करे, उनके पास भी ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी एस्टेब्लिश करके वो लोग भी दे रहे थे ऑनलाइन एजुकेशन। बट बेसिकली देखो, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए चाहिए आपको इंटरनेट कनेक्शन, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए चाहिए आपको नेटवर्क चाहिए, बैंडविड्थ चाहिए, फिर वो ऑप्टिकल फाइबर डालना पड़ता है रूरल एरियाज़ में। जब जो बच्चे रूरल एरियाज़ में, वो किस तरीके से, उनके पापा की, उनके मम्मी के पास स्मार्टफोन भी होना चाहिए, फिर उनके पास उतने पैसे होना चाहिए कि वो रिचार्ज करते हुए देखते जाएँ, तो 1.5 GB, 100, 1 GB ये सब वो एफर्ट नहीं कर सकते। सो गवर्नमेंट जब ये सोची थी कि चलो भाई टीवी चैनल्स लॉन्च कर दिए, तो 12 टीवी चैनल्स लॉन्च हुए थे कोविड में। और 12 टीवी चैनल्स कैसे थे बोल, तो आधा दिन एक क्लास के लिए था फिफ्थ क्लास के लिए, आधा दिन कोई और क्लास के लिए था, इस तरीके से चलते थे। ओके, बट ये स्कीम है, अभी जो बजट में अनाउंसमेंट हुआ है, ऑलमोस्ट अराउंड गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश 200 टीवी चैनल्स और एक क्लास, एक टीवी चैनल पे रहेगी ओनली एक क्लास की सब्जेक्ट के डिस्कशंस। ओके, फिफ्थ क्लास के पूरे सब्जेक्ट्स एक ही टीवी चैनल पे चलेंगे, सेवन्थ क्लास के पूरे सब्जेक्ट्स एक ही टीवी चैनल पे चलेंगे, ऐसा नहीं कि टाइम शेयरिंग यहाँ पे नहीं है। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है रूरल और रिमोट एरियाज तक एजुकेशन को पहुँचाने का। अभी भी लोग डरते हैं बच्चों को कॉलेज स्कूल्स भेजने के लिए, ऑब्वियसली स्कूल से भेजने के लिए, राइट, दिस इज इंपॉर्टेंट। दिस विल अनेबल ऑल स्टेट टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री एजुकेशन इन रीजनल लैंग्वेजेस फ्रॉम क्लास 1 to 12। ओके, तो 12 ही क्लासेस सर, 1200 टीवी चैनल क्यों, ये भी आप पूछ सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें तेलुगु, हिंदी, मराठी, ये सब भी होते हैं, इंग्लिश भी होता है, राइट। तो वो पूरे अपने, यू नो दैट इंडिया इतनी खूबसूरत कंट्री है, ओके, जिसमें इतने सारे रिलीजियंस, इतने सारे लैंग्वेजेस होते हैं, तो 200 चैनल्स भी कम ही पड़ जाएंगे अगर लैंग्वेजेस हम देखते गए। बट 200 चैनल्स तो लॉन्च हो गए हैं, रीजनल लैंग्वेज में भी यहाँ पे कोर्सेस चला सकते हैं, ठीक है। और बजट में क्या अनाउंसमेंट था, एक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने वाले हैं, ओके, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी एजुकेशन देने वाले हैं, पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस। आपको जो सब्जेक्ट चाहिए, आपको जो कोर्स चाहिए, आपको जो स्ट्रीम चाहिए, जो ड्यूरेशन में चाहिए, आप जस्ट लाइक अपनी खुद की जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी होती है, जो हम जिसे एफिलिएटेड एजुकेशन करते हैं, अगर आप
अपनी यूनिवर्सिटी को जाते हैं तो आप देखते हैं कि पीजी डिप्लोमा चलते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज चलते हैं, 6 महीने के कोर्सेज चलते हैं, 4 साल के कोर्सेज चलते हैं। इस तरीके से डिजिटल यूनिवर्सिटी बनेगी इंडिया में। ये यूनिवर्सिटी में जस्ट लाइक आपकी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट जैसी होती है, यहाँ पर टीचिंग भी आपकी ऑनलाइन होगी, यहाँ पर आपका एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होगा, हर चीज़ यहाँ पर ऑनलाइन होगी। रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। तो आपको पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा, पर्सनलाइज, सिर्फ आप ही के लिए पढ़ा रहे हैं इस तरीके से आपको महसूस होगा ऑनलाइन में, ठीक है। दिस विल बी अवेलेबल इन डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्मेट्स। मतलब क्या है इसका, ये जो डिजिटल यूनिवर्सिटी अलग अलग लैंग्वेजेस में लॉन्च करेंगे और आप मोबाइल से भी यूज़ कर सकते हैं, ये डिजिटल यूनिवर्सिटी आप लैपटॉप से भी यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल फॉर्मेट्स में भी ये लॉन्च हो जाएंगे। ओके, डिजिटल यूनिवर्सिटी, राइट, यस, लेट अस गो एट पीएम ई विद्या। ओके, सो लॉन्च फॉर मल्टी मोड एक्सेस टू, मल्टी मोड का मतलब है लैपटॉप से करो या टैबलेट से करो या आपके मोबाइल से करो, तो मल्टी मोड आप एक्सेस करते हैं, कर सकते हैं डिजिटल या ऑनलाइन एजुकेशन। ये प्रोग्राम के अंदर 12 डीटीएच चैनल डायरेक्ट टू होम, डीटीएच का मतलब है डायरेक्ट टू होम, ओके, 12 डीटीएच चैनल लॉन्च किए गए हैं, ओके, विथ ईच वन ईच डेडिकेटेड टू क्लास 1 to 10th, क्लास 1 to 10th। तो यहाँ पे रीजनल लैंग्वेजेस कुछ ज़्यादा प्रमोट नहीं हुए हैं, 1 to 10th लैंग्वेज ही, 1 to 10th क्लास के लिए, एक क्लास के लिए एक चैनल था पहले। सो पिछले में मैं जो भी बोला थोड़ा बहुत उससे यहाँ पे डिफरेंस है, बट यही सही है अभी जो बोला, मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गया था उसमें। सो फिर वहाँ पे 12 चैनल थे, टाइम शेयरिंग वहाँ पे भी नहीं था, बट वहाँ पे लैंग्वेजेस नहीं थे, वहाँ पे लैंग्वेजेस के रिलेटेड कुछ चैनल्स नहीं थे, बट यहाँ पे जो 200 चैनल मीन्स लैंग्वेजेस भी आ गए हैं। और बेसिकली ये जब स्कीम लॉन्च हुई थी सिर्फ एक चैनल एक क्लास, इस तरीके से 12 चैनल 12वीं क्लास, ठीक है, इस तरीके से लॉन्च हुई थी। फॉर व्हाट पर्पस, टू प्रमोट डिजिटल एजुकेशन, ठीक है, यस। ई विद्या, इलेक्ट्रॉनिक स्टडी, ई स्टडी आप ऐसे ही बोल सकते हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ई विद्या इज टू मेक एजुकेशन एक्सेसिबल टू स्टूडेंट्स हु डज नॉट, हु हैज सफर्ड बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, हु हैज सफर्ड व्हाट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। और ये तो है बच्चों को, ये तो अपन पढ़ने के लिए टीवी चैनल से ही उनको एजुकेशन दे दिए अपन, और वो रिपीट भी होते थे प्रोग्राम्स, आज सुबह में एक चैप्टर बोलते थे ना, फिर शाम में फिर वो चैप्टर और एक बार सुन सकते थे, तो इस तरीके से रिपीट रिपीट होके प्रॉपरली सिलेबस उनका कंप्लीट किया गया है, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो लॉन्च ए प्रोग्राम कॉलेज दीक्षा, ओके, ये वेबसाइट के ऊपर एक QR कोड रहता, अगर वो QR कोड को आपको स्कैन करते तो आपको आपकी क्लास के पूरे नोट्स मिल जा सकते हैं, तो नोट्स भी आप पढ़ सकते हैं, अलॉन्ग विद दैट आप एजुकेशन तो ऑनलाइन ले रहे हैं, ठीक है, आई गेस यू गॉट दिस पॉइंट। सो दीक्षा एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आप बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं जस्ट बाय स्कैनिंग द QR कोड। QR का मतलब है क्विक रीड, QR का मतलब है क्विक रीड, ठीक है, यस, फाइन। सो एजुकेशन बजट, अगर हम ट्रेंड देखेंगे लास्ट ईयर से अब तक एजुकेशन बजट इंक्रीज हुआ है 11.82%, ठीक है। द एजुकेशन बजट 2022 has been allotted 1,04,278 crores, ओके, अभी के जो बजट है 2022 का जो बजट है एजुकेशन का, वो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ नंबर इतना है, 1,00,000 crore है, ओके, और ये पिछले बजट से 11,000 crore बढ़ के दिया गया है, पिछले बजट से 11,000 crore बढ़ के दिया गया है, प्लीज रिमेंबर दिस। अभी हम पढ़ेंगे समग्र शिक्षा अभियान, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेशनल एजुकेशन मिशन भी बोलते हैं, what we call it as, it is also called as National Education Mission. This is India's biggest school education scheme. India's biggest school education scheme. Okay. तो पूरा मिला के government कितना पैसा दी है education sector में, 63,000 crores. इसमें 63,000 crore में 51,000 crore जाएंगे स्कीम एलोकेशन में, स्कीम चलाने के लिए यूज होंगे, और 12,000 crore जाएंगे नॉन स्कीम, मतलब क्या चेयर्स क्या उपलब्धि करना और बेंचेस रखना, इंफ्रास्ट्रक्चर, बोर्ड रिपेयर करना, चॉक पीस, ऐसा नॉन स्कीम एक्सपेंडिचर रहेंगे, एक्सपेंडिचर मीट करेंगे 12,000 crore से, और स्कीम रिलेटेड में 51,000 रुपये जाएंगे, ठीक है। और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, ओके, जैसा कि 1,00,000 crore था ना यहाँ पे, 1,00,000 में से 63 ये स्कूल एजुकेशन लिटरेसी में चले गए, बाकी के बच्चे सो
हायर एजुकेशन जो कि डिग्री ग्रेजुएशन पीजी ये इसको बोलते हैं हायर एजुकेशन। सो हायर एजुकेशन को गवर्नमेंट 40,000 crores दी है एंड स्कूल एजुकेशन को 63,000, दो मिला के ये 104,000 crore का गवर्नमेंट एजुकेशन बजट ईयर मार्क करी है, ये साल में इतना पैसा खर्चा होगा एजुकेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पे भी स्कीम एलोकेशन हायर एजुकेशन में जनरली कम होते हैं, हायर एजुकेशन में चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब्स चाहिए, माइक्रोस्कोप्स चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज़्यादा पैसे होते हैं, दैट्स व्हाई 33,000 crores वह स्कीम एलोकेशन के लिए जस्ट 7,000 crores बस हो जाते हैं। ठीक है, राइट। अभी समग्र शिक्षा अभियान है क्या, 2018 और 2019 में ये स्कीम लॉन्च किया गया है। ये स्कीम लॉन्च करने से पहले एक्चुअली 3 schemes चल रहे थे विद रिगार्ड टू स्कूल एजुकेशन, वो क्या थे, सर्व शिक्षा अभियान, इसको हम लॉन्च करे थे 2001 में, उसके बाद में आया था राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इसको हम लॉन्च करें थे 2009 में। ये 1 to 6th class की एजुकेशन देता था, ये 6 to 10th class की एजुकेशन देता था। ठीक है, तो ये स्कीम्स चलते थे, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड टीचर्स एजुकेशन, टीचर्स को भी एजुकेट करना, उनको भी नए नए तरीके से समझाना, तो उनके भी कॉन्फ्रेंसेस होते थे टीचर्स को, टीचर्स भी जाते थे उसमें, देखते थे कि वहाँ से प्रोफेसर किस तरीके से कॉन्सेप्ट समझा रहे थे, फिर उनकी लर्निंग भी टीचर्स की एनहांस होने के बाद में टीचर्स भी बच्चों को अच्छा पढ़ेंगे, राइट। दिस इज वॉट वॉज देयर ऑब्जेक्टिव अंडर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम टीचर्स ट्रेनिंग में। समग्र शिक्षा अभियान में ये 3 के 3 scheme को मर्ज किया गया है, ओके, आफ्टर मर्जिंग दिस वी गॉट समग्र शिक्षा अभियान। ये इसलिए मर्ज किया गया है बिकॉज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ओके, उसके रिकमेंडेशन के हिसाब से ये मर्ज हो गए हैं पूरे स्कीम्स, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कैरिंग आउट दिस अभियान फ्रॉम 2021 टू 2026। 5 year की स्कीम है ये। सो अगर कोई स्कीम को स्टार्ट डेट होता है, एंड डेट होता है, या स्टार्ट ईयर होता है, एंड ईयर होता है, वी कॉल दैट स्कीम्स एज टाइम बाउंड स्कीम, वी कॉल दैट स्कीम्स एज टाइम बाउंड स्कीम। इट इज ए ओवरआर्चिंग प्रोग्राम, ओवरआर्चिंग प्रोग्राम का मतलब है स्कूल एजुकेशन, ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया गया है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम व्हाट, प्री स्कूल टू 12th class तक, क्योंकि ये पूरे मिला दिए ना, सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये पूरे मिला दिए ना, तो ये एक ही स्कीम में प्री स्कूल नथिंग बट किंडर गार्डन, LKG UKG 1st, 2nd class 3rd class से लेके 12 class तक, कितने क्लास तक, 12 class तक, इसलिए ये ओवरआर्चिंग स्कीम बोलते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड स्कीम है, क्या है ये, बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड स्कीम है टू एंश्योर इंक्लूसिविटी, हर कास्ट को, हर रिलीजन को, ओके, हर कम्युनिटी को ये स्कीम में बेनिफिट मिलेगा और हर एक को इक्वल बेनिफिट मिलेगा, सो दैट इज कॉल्ड एज इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एट ऑल लेवल्स ऑफ स्कूल एजुकेशन, लाइक 1, 2, 3, 4, 5 classes लाइक दैट। ठीक है, वॉट इज दिस एग्जाम्पलर स्कूल का मतलब क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जाम्पलर स्कूल्स वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द बजट 2021 वेयर सीतारमन, ओके, अपने फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ प्रपोज द आइडिया ऑफ एग्जाम्पलर स्कूल। तो ये स्कीम में इन्होंने क्या कहा है, अपने पूरे इंडिया में 15,000 school हम सेलेक्ट करेंगे और हम वो 15,000 school को एग्जाम्पलर स्कूल बनाएंगे। एग्जाम्पलर का मतलब है एग्जाम्पल, इतना अच्छा बनाएंगे वो स्कूल को, जस्ट लाइक कि बचपन किड्जी ऐसे जो स्कूल्स हैं, ओके, उनसे अच्छे बड़े बड़े इंटरनेशनल जो स्कूल्स हैं, वो मॉडल पे 1500 schools को हम तब्दील करेंगे एज ए एग्जाम्पलर स्कूल। तो ये बहुत अच्छी बात है। बजट एलोकेशन फॉर दिस एग्जाम्पलर स्कूल कितना दिया गया है, 1,800 crore rupees वर गिवन टू दिस डेवलपमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग स्कूल्स को एग्जाम्पलर स्कूल बनाने के लिए 1,800 crore rupees दिए गए हैं। टीचर्स ट्रेनिंग और एडल्ट एजुकेशन के लिए 127 crores दिए गए हैं, ओके। पढ़ना लिखना अभियान, दिस इज अनदर एडल्ट एजुकेशन स्कीम। तो आप समझ सकते हैं पढ़ना लिखना अभियान, हम जब छोटे थे तो ये एक ऐड आता था, पढ़ने की कोई उम्र नहीं, तो पढ़ना लिखना अभियान भी वैसे लोगों के लिए है जो कभी ज़िंदगी में एजुकेशन पूरी कर नहीं सके और वो 4 class और 5 class उनको इच्छा थी करने की बट वो पूरी नहीं कर सके और वो इलिटरेट ही रह गए, फिर वो मैकेनिक कुछ भी बन गए, कुछ भी अकाउंटेंट बन गए, कुछ भी बन गए, बट उनके पास वो एजुकेशन नहीं है, उनके पास वो एजुकेशन नहीं है, वो अपनी एजुकेशन फिर से करना चाहते हैं तो उनको यहाँ पे असिस्टेंट मिलेगा, दैट इज़ पढ़ना लिखना अभियान, ओके। पढ़ना लिखना अभियान, दिस स्कीम वॉज लॉन्च इन द ईयर 2020 to 2021 टू प्रमोट अडल्ट एजुकेशन, ओके, टू दोज इंडिविजुअल्स हु हैज लॉस्ट अपॉर्चुनिटी एंड डिसकंटिन्यूड, वो डिसकंटिन्यू कर चुके हैं उनकी एजुकेशन के लिए, ठीक है, ओके, उनके वो लोग फिर से कर सकते हैं।
द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव भी रख दी है, 57 लाख अडल्ट जो भी इलिटरेट्स है, ओके एज 15 ईयर्स अबव, 15 साल की उम्र से ज़्यादा जो जो भी लोग इलिटरेट है, जिसको लिखना पढ़ना और बोलना नहीं आता. लिटरेसी का मतलब है वन हु कैन राइट, वन हु कैन रीड, वन हु कैन स्पीक. अगर कोई ये तीन भी कर सकता है, एटलीस्ट वन लैंग्वेज, वो तेलुगु रहो या मराठी रहो या कश्मीरी रहो, कुछ भी रहो या इंग्लिश रहो, अगर एक लैंग्वेज किसी को ये तीन भी करने आती है, देन हम बोलेंगे उनको लिटरेट. ठीक है, समझिए बात. फाइन. देन बजट में मेरिट स्कॉलरशिप के लिए 350 करोड़ दिए गए हैं. नेशनल स्कीम फॉर इंसेंटिव टू गर्ल्स, ओके दिस इज अ स्कॉलरशिप इंसेंटिव स्कीम फॉर गर्ल चिल्ड्रन हु आर बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब्स एंड रूरल एरियाज. में अगर ये अच्छा, ओके अगर ये रूरल एरिया शेड्यूल ट्राइब में बिलोंग करते हैं तो उनको इंसेंटिव मिलेगा, ओके अच्छा परफॉर्म करते हैं तो. बट इसको कुछ एलोकेशन नहीं दिए हैं, ये बजट में नील एलोकेशन आया है. केंद्रीय विद्यालयास नवोदया विद्यालयास, केंद्रीय विद्यालयास क्या है? केंद्रीय विद्यालयास के लिए कुछ इंट्रेंसेस नहीं होता है. केंद्र आप समझ सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स, बस इतना ही समझो. अब अगर समझो मैं तेलंगाना गवर्नमेंट, मैं समझो आईएएस ऑफिसर अपॉइंट हुआ हूँ तेलंगाना में, फिर मैं यहाँ से जाऊँगा बंगाल, मैं यहाँ से जाऊँगा उत्तराखंड, यहाँ से मुझे ट्रांसफ़र करते जाएगा तो मुझे मेरी फैमिली और मेरे बच्चों को यहाँ से वहाँ लेने जाएगा, तो फिर यहाँ से वहाँ मैं घूमते रहूँगा तो मुझे कौन सा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सडनली सीट क्रिएट करके मुझे मेरे बच्चों को एडमिशन देगा, राइट और रॉन्ग? इसलिए केंद्रीय विद्यालयास बनाए गए हैं सो दैट जो भी डिफेंस, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं, अगर उनका ट्रांसफ़र यहाँ से वहाँ होता है तो उनको बच्चों की, उनकी बच्चों की तालीम रुक ना जाए, उनकी तालीम कंटिन्यू होती जाए, उनके एजुकेशन में कुछ ऑब्स्टकल ना हो, दैट इज कॉल्ड एज केंद्रीय विद्यालयास. और केंद्रीय विद्यालयास डे स्कूल होते हैं, केंद्रीय विद्यालयास डे स्कूल होते हैं, सुबह जाके शाम में आ जाना. अभी क्या है, नवोदया विद्यालय, ओके ये 6 to 9th class आई गेस, ओके 6 to 9th class तक. यहाँ पे रूरल एरियाज में, रूरल एरियाज में जो बच्चे टैलेंटेड बच्चे हैं उनको 6th class में, 5th class के बाद वो लोग यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं. एक इंट्रेंस टेस्ट दिया जाता है उनको, वो रूरल एरिया में जो भी ये टेस्ट पास करते हैं उनको ये नवोदया विद्यालय में दे विल गेट व्हाट एडमिशन. सो बेसिकली यहाँ पे नवोदया विद्यालय जो गिफ्टेड टैलेंटेड चिल्ड्रंस होते हैं ना उनको एडमिशन फ्री ले देते हैं, ओके नवोदया विद्यालय. इसमें एलोकेशन इतना था, ओके केंद्रीय विद्यालय में एलोकेशन कितना दिए, 7000 करोड़, लाइक 7500 करोड़ तो दे दिए हैं. नवोदया में 4000 करोड़. पीएम पोषण स्कीम, दिस स्कीम विल रिप्लेस मिड डे मील स्कीम दिस ईयर, ओके सो पीएम पोषण स्कीम बनाएंगे हम, मिड डे मील चले गया है अब, और ये स्कीम को मिले हैं 10,233 करोड़. ठीक है, क्या है ये पीएम पोषण स्कीम? लॉन्च ऑन मार्च 2018 में लॉन्च किया गया है. एनेमिक मुक्त भारत, लड़कियां जनरली हमारे इंडिया में एनेमिक कंडीशन से सफ़र करती हैं. एनेमिक कंडीशंस का मतलब है कि लेस प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी जिसके पास कम होता है तो वो लोग एक डिसीज से सफ़र करते हैं, उसको बोलेंगे हम अनेमिया. अनेमिया इज़ बिकॉज ऑफ व्हाट, आयरन डिफिशियंसी, इसलिए आयरन के इनको टैबलेट दिए जाते हैं सो दैट आरबीसी ज़्यादा ज़्यादा खून डेवलप हो. ठीक है, राइट. सो अनेमिया मुक्त भारत करना है अंडर दिस स्कीम. होम बेस्ड केयर फॉर न्यू बॉर्न एंड यंग चाइल्ड, ये तो आप समझ सकते हैं. इंटेंसिफाइड डायरिया, बच्चों को लूज मोशन कंट्रोल फोर्टनाइट, एंड डिफीट डायरिया कैंपेन, डिफीट डायरिया कैंपेन. यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी इसमें कवर होगा, और नेशनल डी वार्मिंग डे, नेशनल डी वार्मिंग डे. ऑल दिस विल बी पार्ट ऑफ व्हाट, पोषण अभियान. यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम मीन्स यहाँ पे मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष के 7 जो वैक्सीन है वो हर एक को मिल जाएंगे. सो बच्चों को जब भी कुछ इन्फेक्शन होने के चांसेस है बिकॉज वो वैक्सीन ले चुके हैं तो वो बच जाएंगे एनी इन्फेक्शियस डिसीज से. ओके फाइन. पोषण अभियान में अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग विद इन एन आवर आफ्टर बर्थ. सो पोषण अभियान का मेन टारगेट क्या है? ओके जो भी मदर्स हैं और जो भी बच्चे हैं उनको अच्छी तरीके से पोषण देना मिड डे मील के थ्रू, उनको खाना, उनके खाने के जो भी न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, फैट्स हो, ये पूरे सही मात्रा में देना तो बच्चे का भी और माँ का भी ओके हेल्थ बहुत अच्छी रहो, और माँ बच्चे को दूध पिला सके 6 महीने तक कंटिन्यूसली. एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहिए बच्चों की 6 महीने तक, क्योंकि माँ के दूध से अच्छा दूध नहीं होता है, उतना प्रोटीन न्यूट्रिशियस दूध कहीं पे नहीं मिलता है. तो गवर्नमेंट का यही है कि माँ के दूध से ही ज़्यादा इम्यूनिटी आती है, ओके रिसर्चर्स भी यही बोलते हैं. तो 6 महीने तक अगर बच्चा माँ का दूध ही पिया तो उसको डिसीजेस नहीं आएंगे, और
अल्टीमेटली हमारे कंट्री में यही प्रमोट करना है कि हम अच्छी खुराक दें, अच्छा खाना दें किसको, बच्चों को और मदर को, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग रहो या और बच्चों का जो भी माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम नहीं रहेगा। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग फॉर 6 मंथ्स अलॉन्ग विद ब्रेस्ट फीडिंग अप टू 2 ईयर्स। ओके, तो अप टू 2 ईयर तक बच्चों को दूध पिला सकते हैं, दैट इज़ नॉट बैड एट ऑल अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम। ठीक है, तो ये पूरा किया गया है पीएम पोषण स्कीम में। ठीक है, अभी और एक स्कीम लॉन्च की गई है बाय द गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड स्टार स्कीम। स्टार स्कीम का मतलब है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग। ओके, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग मीन्स पढ़ाने के तरीके को बहुत अच्छा बनाओ। ओके, डिजिटल यूज़ करके बनाओ या कुछ चीज़ें लेके बनाओ, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथनिंग टीचिंग। बच्चों की लर्निंग भी एनहेंस करो। ओके, रिजल्ट्स फॉर स्टेट, दिस न्यू प्रोजेक्ट इंक्लूड्स ए वर्ल्ड बैंक लोन असिस्टेंस, और ये अभी 6 ही स्टेट्स में काम कर रहा है। ओके, हिमाचल प्रदेश, केरला, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड ओडिशा। सो अगर कोई स्कीम पूरे पैन इंडिया लेवल पे अप्लीकेबल नहीं होती है, सिर्फ कोई किसी स्टेट्स में अप्लीकेबल होती है, तो हम बोलेंगे ये स्कीम को पायलट स्कीम। वी कॉल द स्कीम एज पायलट स्कीम। एज पर द वर्ल्ड बैंक स्टेटमेंट, स्टार्स विल हेल्प इम्प्रूव आवर लर्निंग असेसमेंट सिस्टम। बच्चों का असेसमेंट करेंगे, अगर वो मैथ्स में पूरे या साइंस में पूरे हैं तो वहाँ पे उनकी डेवलप करने की कोशिश करेंगे। सो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक ये स्टार स्कीम से असेसमेंट होगा, और क्लासरूम के जो भी टीचिंग रहेंगी वहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान देंगे बच्चे, और जो भी प्रॉब्लम्स है उसको रेमेडी करेंगे, बच्चों को फैसिलिटेट करेंगे स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन कैसे जाना है। स्ट्रेंथन गवर्नेंस एंड डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट, ये बड़े बड़े वर्ड्स है बट याद मत रखिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप ये याद रखिए कि स्टार जो स्कीम है ये एजुकेशन रिलेटेड है, और ये थोड़े ही स्टेट्स में अप्लीकेबल है, और ये वर्ल्ड बैंक असिस्टेड है। बस ये 3 चीज़ें याद रख लिए आप, बहुत बड़ी बात है। बजट एलोकेशन ये स्टार स्कीम को दिया गया है 550 करोड़ ये स्कीम में दिए गए हैं। ठीक है, अभी स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या है। स्किल का मतलब है एबिलिटी टू डू ए वर्क, एबिलिटी टू कंप्लीट ए टास्क, एबिलिटी टू कंप्लीट ए टास्क। अगर मुझे इकरा आईएएस का कितना पैसा आया है और कितना पैसे गया है, रेवेन्यू कितना आया, एक्सपेंडिचर कितना हुआ, अगर इसको मेरे को सरप्लस में है या डेफिसिट में है, अगर मेरे चेयरमैन सर ये पूछे, तो मुझे ये हिसाब करने आना नहीं आना, ये मैथ्स करने आना नहीं आना, और कहाँ पे रेवेन्यू लिखना है, कहाँ पे एक्सपेंडिचर लेंगे, ये मुझे मालूम होना नहीं होना, होना राइट। सो दिस इज कॉल्ड स्किल। अगर मुझे कोई काम दिया गया है, अगर मैं वो पूरी तरीके से निभाता हूँ, देन इट इज कॉल्ड व्हाट स्किल। वो ड्राइविंग रहो या मेहंदी रहो या बार्बिंग रहो या अकाउंटेंट रहो या इंजीनियर रहो या कुछ भी रहो, काम करने आना चाहिए। ओके, द स्किल हब इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये दो मिनिस्ट्रीज मिलके ये स्किल हब इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं। और ये स्किल हब इनिशिएटिव में क्या है ऑब्जेक्टिव, 5000 लोगों को स्किल देना है, 5000 लोगों को स्किल देना है बाई 2023 तक। ओके, आई टी आईज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आई टी एस मीन्स इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। जो बच्चे 10 क्लास के बाद जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, जिसको काम करने में इंटरेस्ट है, तो वो ये इस इंस्टीट्यूट्स में ज्वाइन हो जाते हैं। ये भी फॉर्मली रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है। ठीक है, और ये एजुकेशन को बोलते हैं वोकेशनल, ये जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग होती है। क्या होती है, जॉब ओरिएंटेड स्टडी होती है, डायरेक्टली आपको प्लम्बिंग करना, ओके, ऑटोमोबाइल कैसा ठीक करना, कैसा रिपेयर करना, इस तरीके से कोर्सेज दिए जाते हैं वहाँ पे, और आप डायरेक्टली रेडी टू जॉब हो जाते हैं। ओके, विल स्टार्ट कोर्स ऑन स्किलिंग। तो अभी ये आईटीएस वाले अपने कोर्सेज चलाते हैं, गवर्नमेंट अभी ये आईटीएस का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करके वहां पे भी स्किलिंग प्रोग्राम्स लॉन्च करने वाली हैं। अनदर इंपॉर्टेंट वी आर हैविंग इज देश। व्हाट इज देश, डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड। आप समझ गए होंगे, क्योंकि देश डिजिटल, अभी स्किलिंग होगी ऑनलाइन। ऑनलाइन कोई बताएगा मुझे किस तरीके से जिम करना है, किस तरीके से डंबल उठाना है, कौन से पार्ट पे इफेक्ट हो रहा है, कुकिंग कैसा करना है, तो ऑनलाइन ही मुझे मिल जाएगा, स्किलिंग ऑनलाइन हो जाएगी, और उस वजह से मेरी लाइवलीहुड, मेरा जीने का सहारा भी वो बन जाएगी। ओके, एंड गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्ट्रेस ऑन स्किलिंग, अपस्किलिंग एंड रीस्किलिंग। देखो, एक आदमी को मिस्टर एक्स को कुछ करने ही नहीं आता, तो उनको पहले हम सिखा देंगे कि चलो भाई ऑटोमोबाइल करना सिखा देंगे, ऑटोमोबाइल खोलना, इंजन खोलना, टायर खोलना, ये सिखा देंगे। दिस इज कॉल्ड अ स्किल। अपस्किल का मतलब है इनको टायर खोलने आता तो अभी इनको इंजन बनाने की भी ट्रेनिंग दे दीजिए, अभी इनको पूरे गाड़ी पे पूरे कार्स और की रिपेयर करने की स्किल दे दीजिए, दैट इज कॉल्ड एज अपस्किल। मीन्स सेम स्किल में आप आगे बढ़ रहे हैं, एडवांस लेवल पे जा रहे हैं। ओके, रीस्किलिंग का मतलब है, रीस्किलिंग का मतलब है, चलो ये अभी तक ये वायर के गियर के कर रहे हैं, गाड़ी बना रहे हैं, अभी वायरलेस, ओके, ड्राइवरलेस और ये जो स्टिकलेस
ठीक है, गियरलेस, ऐसे कार भी ये इलेक्ट्रॉनिक में भी बहुत ज्यादा स्किल आने के वजह से ये भी कर रहे। दिस इज कॉल्ड एज वर्ड री स्किलिंग, नई स्किल लेके आओ, ऑल टुगेदर ए डिफरेंट स्किल है। सो स्किल को डेवलप करने को अपस्किल बोलते हैं, एकदम से कुछ अलग स्किल आप एडॉप्ट कर रहे हैं तो हम बोलेंगे उसको रीस्किल। तो गवर्नमेंट यही कहती है देश प्रोग्राम में कि स्किल करेंगे, अपस्किल करेंगे, रीस्किलिंग करेंगे फॉर द यूथ। 150 वर्चुअल लैब्स ऐसा पढ़ाएंगे, ऐसा दिखाते हैं बच्चों को पढ़ाएंगे। 750 वर्चुअल लैब्स विल बी क्रिएटेड इन साइंस एंड मैथमेटिक्स बच्चों की लर्निंग को इंप्रूव करने के लिए। 75 स्किलिंग ई लैब्स विल बी क्रिएटेड फॉर सिमुलेटेड लर्निंग आउटकम्स। जिस तरीके से होता है रियलिटी में, जिस तरीके से दिखता है उस तरीके से आपको वर्चुअल भी दिखा के पढ़ाएंगे। दैट इज कॉल्ड एज सिमुलेशन। एग्जैक्टली अवतार मूवी आप तो देखे होंगे। अवतार मूवी में क्या होता था, वो एक डब्बे में चल जाता था, उसके बाद में वो अलग ही दुनिया में पहुंच जाता था। तो एज इफ कि वो रियल है, बट वो एक्चुअली अनरियल है, बट वो एक्चुअली में क्या है उसको रियल दिखती थी। दैट इज कॉल्ड एज वर्ड सिमुलेशन। तो बजट रिलेटेड में इतना सब दिया गया है। आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी थिंग। सो आप भी इतना पढ़िए, बहुत काफ़ी है फॉर योर एग्जामिनेशन। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू टुमारो।